आगे क्या होगा, कल क्या होगा, ये सोच सोच कर हम परेशान हो रहे हैं। कभी भूकंप, कभी जल प्रलय, कभी मरी और न जाने क्या क्या। ये प्रश्न नया नहीं है। जब यीशु जैतून पहाड़ पर बैठे थे, तब चेलों ने भी यीशु से यही पूछा कि तेरे आने और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने बहुत सारे चिन्ह बताए और इस बारे में मत्ती 24 में लिखा है कि हमें दानियल की किताब को पढ़ना है। दानियल की किताब को पढ़ने से पता चलता है कि हम किस युग में हैं और आगे क्या होने वाला है। इसको समझने के लिए आइए आज आपको एक राजा की कहानी सुनाते हैं, जो दानियल चैप्टर 2 में लिखी हुई है। बेबीलोन के देश में एक राजा था जिसका नाम था नबूकदनेस्सर। वो बहुत ही शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा था। उसके पास सोने और चांदी की कमी न थी। उसने सब छोटे छोटे देशों पर कब्जा करके इस दुनिया का शक्तिशाली राजा बन गया था। एक दिन वो अपने सारे वैभव को देखकर सोचा कि इतना सब जो उसके पास है, उसके जाने के बाद उसके राज्य का क्या होगा, और वो यही सोचकर सो गया। राजा ने सपना देखा और बहुत व्याकुल हो गया और उसे नींद न आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोने और कस्ती बुलाए जाए कि वे राजा का स्वप्न बताएं। सबको बुलाया गया और राजा ने कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। तब कस्तियों के राजा ने कहा, आप स्वप्न बताइए, हम इसका अर्थ बताएंगे। राजा ने कहा, अगर तुम स्वप्न के साथ फल नहीं बताओगे तो तुम सब टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे और तुम्हारे घर जला दिए जाएंगे, और अगर स्वप्न का अर्थ बताओगे तो बहुत सारे दान और प्रतिष्ठा पाओगे। कस्तियों के राजा ने कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और ना कोई ऐसा राजा या प्रधान हुआ है जो ऐसी बात पूछे, ये तो कोई देवता ही बता सकता है। इस पर राजा बहुत क्रोधित हुआ और बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी। आगे क्या हुआ इसको जानने के लिए इसका अगला भाग देखेंगे।